आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश की वजह से मौसम बदल गया है। आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना है। इस बीच तापमान में पिछले कुछ दिनों से जो बढ़ोतरी हुई है, इस हफ्ते उसमें कमी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते के अंत तक एक बार फिर जोरदार ठंड पड़ने की संभावना है। दिल्ली में इस दौरान न्यूनतम पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाने का अनुमान जताया गया है, जिससे ठंड में काफी बढ़ोतरी हो गई है। वहीं 29 दिसंबर से पूरे हफ्ते में दिल्ली में कोहरा छाया रहेगा, तो एनसीआर में बादल छाए रहने के बाद मौसम साफ हो जाएगा। दिल्ली में रविवार को न्यूनतम पारा सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा 9.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नमी का स्तर 28 से 92% रिकॉर्ड किया गया। वहीं दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। आज और कल बारिश का भी अनुमान लगाया गया है। इसके बाद पूरे हफ्ते में कोहरे का कहर देखने को मिलेगा। हफ्ते के अंत तक एक बार फिर से दिल्ली में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और जोरदार ठंड भी पड़ेगी। वहीं नोएडा की बात करें तो नोएडा में आज अधिकतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आज नोएडा में बादल छाए रहेंगे, कल बारिश का अनुमान है। इसके अलावा बाद नोएडा में पूरे हफ्ते मौसम साफ रहेगा। हालांकि 29 दिसंबर को भी नोएडा में बादल छाए रह सकते हैं। वहीं ये हफ्ता जैसे जैसे बढ़ेगा, आज की तुलना में नोएडा में तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी। वहीं बात करें अगर गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में आज अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आज और कल आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश की भी संभावना है। 29 दिसंबर को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा पूरे हफ्ते मौसम साफ रहने की संभावना है। आज के मुकाबले आने वाले दिनों में गुरुग्राम के तापमान में थोड़ी कमी होगी। वहीं बात करें अगर दिल्ली एनसीआर की हवा की, तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल पिछले कुछ दिनों से बढ़ सा गया है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी कि सफर के अनुसार दिल्ली का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स आज यानी 27 दिसंबर को 412 दर्ज किया गया और गंभीर श्रेणी में रहा है। वहीं नोएडा का AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है और 330 रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा गुरुग्राम का AQI 322 रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली एनसीआर में इस पूरे हफ्ते वायु गुणवत्ता सूचकांक इसी के आसपास बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।